Hello students, welcome to the 7th class on economic survey, and in this class we will be dealing with a very important aspect that is related to the social domain of India. Now this aspect is about the meta-son preference. Now this is a very important thing. Meta-son preference. Plus, apart from meta-son preference, we will also be dealing with the gender parity issue. अभी इस चैप्टर में दो चीजें हम डील करने वाले हैं. पहला तो जेंडर पैरिटी, दूसरा मेटा सन प्रेफरेंस. नाउ दिस चैप्टर इज अबाउट जेंडर एम्पावरमेंट, इट्स अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, द एफर्ट्स दैट द इंडिया हैव मेड इन ऑर्डर टू ब्रिज द डिस्पैरिटी दैट हैड बीन एग्जिस्टिंग बिटवीन द टू सेक्सेस इन इंडिया, दैट इज द मेन एंड द वुमेन सेक्स. अभी जेंडर पैरिटी की डोमेन में अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक सर्वे ने टोटल 17 इंडिकेटर्स के ऊपर रिसर्च करके एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस दिया है. इकोनॉमिक सर्वे ने टोटल 17 इंडिकेटर्स के ऊपर रिसर्च करने के बाद इकोनॉमिक सर्वे had come to a conclusion that there had been 14 parameters, 14 aise indicators hain jinke upar gender empowerment hua hai, jiske upar women empowerment hua hai, but still there has been 3 such indicators jisme empowerment and gender parity dikhai nahi deta hai. Now first of all we need to analyze what are these indicators, what are these parameters. Like I've told you, there had been 17 parameters which has been analyzed. Agar hum inko categorize karte hain to teen tarah se ye categorize hote hain. Number 1 is agency. This is one broader categorization. Second is attitude. And third is outcome. Now what is meant by agency, what is meant by attitude, and what is meant by outcome? We'll be learning about these three broader categorization of the parameters or of the indicators jo use kiye hain economic survey ne janne ke liye ki women empowerment reality mein kitna hua hai, hua bhi hai ki nahi hua hai. To agency, it means primarily it means कि women को कितना involve कराया जाता है decision लेने में, because decision making activity is a very important activity at the family level. अगर women को important decisions में involve कराया जाता है कि घर पे किस चीज को खरीद के लेके आना है, women को अगर जाना है किसी relative के पास तो उस decision में उसको participate कराना, एंड इट इज़ अबाउट कि उसको खुद के ऊपर कितना एक्सपेंडिचर करना है, कौन सा जॉब उसको ज्वाइन करना है, एंड अपने ऊपर अपनी हेल्थ के ऊपर कितना एक्सपेंडिचर करना है. इस तरह के डिसीजंस का एनालिसिस किया इकोनॉमिक सर्वे ने, एंड इकोनॉमिक सर्वे हैज कम आउट टू अ कंक्लूजन दैट द वुमेन इज गेटिंग पार्टिसिपेशन इन ऑल दीज डोमेन्स. इन सब डोमेन में रिलेटिव इम्प्रूवमेंट हुआ है ईयर वाइज, एंड इकोनॉमिक सर्वे ने ये जो पैरामीटर्स के ऊपर जज किया है ऑन द पैरामीटर्स ऑफ एजेंसी कि वुमेन को डिसीजन मेकिंग में कितना इन्वॉल्वमेंट है, इसके एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी किया है. कंपैरेटिव एनालिसिस विद दोज कंट्रीज जो हिंदुस्तान के साथ सेम लेवल ऑफ डेवलपमेंट पेडेस्टल के ऊपर है. जितना हिंदुस्तान डेवलप्ड है इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम, उसके उसके कंपैरिजन में और कितने देश जो डेवलप हैं वो वुमेन को कितना डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कराते हैं. तो इंडिया इज एट पार विद दोज कंट्रीज. सो दिस इज अ बेटर रिजल्ट दैट वी हैव गॉट विद रिस्पेक्ट टू वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया. तो डिसीजन मेकिंग में हम उनको बहुत अच्छे से इन्वॉल्व करा पा रहे हैं.
एंड सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इंडिकेटर है जज करने का जेंडर पैरिटी को लेके, वो है एटीट्यूड, कि वायलेंस को लेके टूवर्ड्स वायलेंस अगेंस्ट वुमेन प्लस प्रेफरेंस फॉर द सन, ये जो दो स्टैंडर्ड्स हैं, दो पैरामीटर्स हैं, इन दोनों पैरामीटर्स में का एटीट्यूड जज किया गया, सोसाइटल एटीट्यूड जज किया गया है कि किस तरह का एटीट्यूड है कि वुमेन को जो वायलेंट बिहेवियर रहता है जनरली मैरिजेस में, वो वायलेंट बिहेवियर किस तरह का है। सेकेंडली इट्स अबाउट द प्रेफरेंस ऑफ द सन, कि सन के प्रेफरेंस को लेके किस तरह का एटीट्यूड है लोगों का। अगर ये दो ऐसे पैरामीटर्स हैं, लाइक इन द बिगिनिंग मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है कि 14 ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव रिजल्ट है, जो बताते हैं कि जेंडर पैरिटी इंप्रूव हुई है हिंदुस्तान में। बट ये जो दो हमारे पास ऐसे पैरामीटर्स हैं जो बेसिकली बताते हैं कि वुमेन का जो एम्पावरमेंट है इन दो डोमेन में नहीं हुआ है, मीन्स देर इज स्टिल अ प्रेफरेंस फॉर द सन इन द इंडियन सोसाइटी एंड विद रिस्पेक्ट टू वायलेंस, दो इट इज रिड्यूस्ड बट स्टिल अबाउट 50% ऑफ द पीपल बिलीव दैट इट इज जस्टिफाइड टू बीट अ वुमेन, इट इज जस्टिफाइड टू बीट अ वाइफ इन अ फैमिली। सो ये एक पैरामीटर बहुत अच्छा पैरामीटर नहीं, बट देर हैज बीन स्टिल अ इम्प्रूवमेंट, बट सन वाला एटीट्यूड को लेके अभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। नाउ विद रिस्पेक्ट टू आउटकम, तीसरा जो पैरामीटर है, एक तो एजेंसी, एक एटीट्यूड है, और तीसरा आउटकम है। नाउ आउटकम इज विद रिस्पेक्ट टू द एजुकेशन लेवल, इट इज विद रिस्पेक्ट टू द अर्निंग दैट द वुमेन, कितना पैसा वुमेन कमा रही है, ज्यादा बढ़ गया है। देन सर्टेनली इट हैज इंक्रीज्ड विद रिस्पेक्ट टू द अर्निंग बींग डन बाय द हस्बैंड, हस्बैंड के कंपेरिजन में वुमेन कितना पैसा कमा रही है उसमें इंप्रूवमेंट है, उसके एजुकेशन लेवल में इंप्रूवमेंट है। किस एज के ऊपर वो बच्चा पैदा कर रही है उसमें भी इंप्रूवमेंट है, वो एज इंक्रीज हो गई है। किस एज पे वुमेन आज की डेट में शादी कर रही, वो भी इंप्रूवमेंट हो गया है। सो ऑल दीज पैरामीटर्स हैव बेसिकली इंप्रूव्ड, बट एक पैरामीटर जो आउटकम में जो इंप्रूव नहीं हुआ है आउट ऑफ द 17 पैरामीटर्स, दैट इज सेक्स रेशियो ऑफ द लास्ट चाइल्ड। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्स रेशियो ऑफ लास्ट चाइल्ड। Now, what is the sex ratio of the last child? Now, last child, जब शादी होता है, शादी होने के बाद बच्चा होता है, अब अगर तो पहला बच्चा है, अगर पहला बच्चा मेल हो रहा है, उस केस में दूसरे बच्चे के लिए पेरेंट्स जनरली इंडिया में नहीं जा रहे हैं। एंड अगर पहला बच्चा लड़की हो रही है, इन दैट केस दे आर गोइंग फॉर द सेकेंड चाइल्ड, एंड सेकेंड चाइल्ड अगर मेल हो जाता देन दे विल नॉट बी गोइंग फॉर द थर्ड चाइल्ड। नाउ इस तरह का रेशो का एनालिसिस किया, सेक्स रेशो का एनालिसिस किया लास्ट चाइल्ड में, एंड बहुत ही ज़्यादा एस्टॉनिशिंग रिजल्ट आया है कि अगर पहला बर्थ मेल चाइल्ड का हो जाता है तो सेकेंड बर्थ के लिए पेरेंट्स नहीं जाते हैं, अगर पहला बर्थ फीमेल का है या मेल का है फिर भी सेकेंड बर्थ के लिए जाते हैं, और सेकेंड बर्थ चाइल्ड जो है अगर मेल है, इन दैट केस दे विल नॉट बी गोइंग फॉर द थर्ड चाइल्ड। तो ये चीज क्या बताती है, ये चीज एक नया एक एनालिसिस सामने लाती है, दैट इज द मेटा सन प्रेफरेंस, कि ये बताती है कि अगर आप फीमेल फिटिसाइड नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से सेक्स रेशो कम हो जाता है, इवन इन दैट केस यू विल बी गिविंग बर्थ टू अ फीमेल बट स्टिल You will be preferring a male child. आप जो है फीमेल को बर्थ देते रहेंगे बट आपको एंड चाहिए क्या, यू विल बी रिक्वायरिंग अ मेल, एंड जो भी बेबी गर्ल्स का बर्थ होता है दे हैव बीन कैटेगराइज्ड इन द इकोनॉमिक सर्वे एज अनवॉन्टेड गर्ल्स, अनवॉन्टेड गर्ल्स। बेसिकली पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि ये बेटियां उनके पैदा हों, बट क्योंकि उनका प्रेफरेंस बेटे को लेके है तो ये अनवांटेड गर्ल्स का एक नया फिनोमेना है जो इकोनॉमिक सर्वे ने पुट फॉरवर्ड किया है। एंड हाउ मेनी अनवांटेड गर्ल्स, द इकोनॉमिक सर्वे इज गिवन अ फिगर ऑफ अबाउट 21 मिलियन
unwanted girls have got birth in India. In a recent time, from 1990s onwards, because there has been lot of preference of the male child. Now, when it comes to the sex ratio, see, the main aspect, the main issue about this entire chapter of gender parity and matters and preferences, that we are improving on numerous domains, but still socially, we have not improved with respect to giving equality to a female in the family. So we don't accord equal status to a baby girl, but we accord lot of importance to the male child. Male child ko bahut zyada importance diya jata hai. To usi ki wajah se economic survey ne ek aur analysis kiya hai ki in countries like India and China, where we accord lot of importance to the male child, the sex ratio is very skewed. We have 1186 births of male to the 1000 births of the girl child. So the male child is preferred more even in China, and the same is also the story in India. Another important analysis that has been done by the economic survey with respect to the sex ratio is with respect to the wealth. Ki agar ameer states hain aur jo gareeb states hain, unke beech mein kya comparison hai. Generally ye believe माना जाता है कि जिस तरह से पैसा किसी स्टेट के पास ज्यादा आ जाता है, वो डेवलप हो जाता है. डेवलप होने से वो सोशल पैरामीटर्स और सोशल इंडिकेटर्स भी उसके इंप्रूव होना शुरू हो जाते हैं. बट ये देखने को आया है कि हमारे पास स्टेट्स है लाइक पंजाब एंड हरियाणा जो बहुत अमीर तो हो गई हैं, बट उनके सोशल पैरामीटर्स इंप्रूव नहीं हुए हैं. नो व्हाट इट मींस, इट मींस कि जो बहुत सेक्स रेशियो सिक्योर्ड है हरियाणा और पंजाब जैसी स्टेट्स में, जहां पे बहुत ज़्यादा पैसा है स्टेट्स के पास, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, बट अभी भी जो गर्ल चाइल्ड है उसको अभी भी प्रेफरेंस नहीं मिल रही है. बट अगर पूरा इंडिया का देखा जाए, इकोनॉमिक सर्वे क्या बताता है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो सेक्स रेशो है, इट इज़ फेवरिंग द गर्ल चाइल्ड मोर. नाउ व्हाट इट मीन्स, इट मीन्स दैट द वेल्थ इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट डिनोमिनेटर टू डिसाइड अबाउट अ गुड सेक्स रेशियो. जरूरी नहीं है कि आपका सेक्स रेशियो अच्छा होगा अगर आप इकोनॉमिकली वेल ऑफ हो. तो बेसिकली सेक्स रेशियो को इम्प्रूव करने के लिए, इस मेटासन प्रेफरेंस को चेंज करने के लिए, हमें सोसाइटी में सोशल चेंजेस लेके आने पड़ेंगे. सोशल रिफॉर्मेशन सोसाइटी में चाहिए. सिर्फ डेवलपमेंट होने से या पैसा होने से ये प्रेफरेंसेस चेंज नहीं होते हैं. रेदर we come to know about unfortunate concepts like the concept of unwanted girls or the concept of missing women. Now an important study has been done which has been highlighted in the economic survey, which says that about 100 million women across the world till now they have been the missing women. या तो उनका पैदा होने से पहले उनको मार दिया गया, अगर वो पैदा हो गई हैं तो बहुत resources उनको नहीं दिए गए हैं ज़िंदगी जीने के लिए, तो they have lived a life of neglect. और हिंदुस्तान में ऐसी औरतों का जो number है, that stands to 40 million. So this is a sorry state of affairs. This is a debilitating state of affairs. बहुत बुरे हालात हैं. तो सोसाइटी में एक सोशल बदलाव चाहिए, एक सोशल रिफॉर्म चाहिए, तब हम इस सिचुएशन को बदल पाएंगे. एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट हुआ है, डिसीजन मेकिंग में इम्प्रूवमेंट हो गया है, पैसा कमाने में बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया है, बट कुछ पैरामीटर्स जिसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, वो तीन पैरामीटर्स हैं. पहला पैरामीटर क्या है? फर्स्ट पैरामीटर इज विद रिस्पेक्ट टू द सेक्स रेशियो. सेक्स रेशियो इंप्रूव नहीं कर पाए हम, हमारा प्रेफरेंस इज फॉर द मेल चाइल्ड. और दूसरा जो नहीं इंप्रूव हो पाया, दैट इज द एम्प्लॉयमेंट. नाउ एम्प्लॉयमेंट, जिस तरह से देश डेवलप हो रहा है इकोनॉमिकली, जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन है वो डिक्रीज हो गया है. IMF क्या कहता है?
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये कहता है कि अगर हम सारी वुमेन को वर्कफोर्स में इंक्लूड कर लें तो हमारे देश का जो ग्रोथ रेट है 27% जंप कर जाएगा। बहुत बड़ा नंबर है 27%। एंड अनदर थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट इज विद रिस्पेक्ट टू इज कॉन्ट्रासेप्टिव्स। नाउ कॉन्ट्रासेप्टिव्स का जो एम्पावरमेंट करता है कॉन्ट्रासेप्टिव्स वुमेन को, उसका जो अडॉप्टेबिलिटी है वो भी बहुत कम हो गया है। फैमिली प्लानिंग में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स, उसकी वजह से वुमेन का जो एम्पावरमेंट है वो नहीं फील हो पा रहा। सो वी नीड टू वर्क ऑन ऑल दीज डोमेन्स। वी नीड टू वर्क ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द वुमेन एंड मेकिंग वुमेन एम्पावर्ड टू हैव द कॉन्ट्रासेप्टिव्स। एंड प्लस वी ऑल्सो नीड टू वर्क ऑन द सेक्स रेशियो आस्पेक्ट। जो लास्ट चाइल्ड का सेक्स रेशियो है वो इम्प्रूव करना पड़ेगा, बिकॉज वो एक रियल फिगर है। प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट जो रहे हैं, जो एक्ट हिंदुस्तान में पास किया गया था 2014 में, उसके बाद में सेक्स रेशियो इम्प्रूव तो हुआ है, बट ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होना चाहिए इफ़ वी वॉन्ट equality between the male and the female sexes. So this was all for the class. You can subscribe to this channel. Name of the channel is Brainy IAS. Now if you have any sort of query on these economic survey classes, you can WhatsApp me at 84594000. So this was all for the day. Bye bye, take care, have a nice day.